महाराष्ट्र के थाने जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, ये कैसी स्थिति आ गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल ही अगर सेफ नहीं होगा तो फिर शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों पर बात करने का मतलब ही क्या है। जस्टिस रेवती और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने सरकार से केस डायरी और FIR की कॉपी भी मांगी है। एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा और अब पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से 27 अगस्त को होगी। अगली सुनवाई बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल का एक सफाई कर्मी अक्षय सिंधे, जिसका नाम है, उसने 3 और 4 साल की दो बच्चियों का यौन शोषण किया था। कोर्ट ने बुधवार यानी 21 अगस्त को मामले पर खुद संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने को भी कहा है और साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या बच्चियों ने स्कूल प्रशासन से यौन शोषण की शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार ने कहा हाँ। कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने स्कूल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पॉक्सो के तहत घटना की जानकारी छिपाने पर स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बनाने का प्रावधान इसमें है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि SIT का गठन किया जा चुका है, अब केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चे के पेरेंट ने जैसे ही FIR दर्ज कराई, आपको स्कूल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर देना चाहिए था, तो अब तक आपने क्यों नहीं दर्ज कराया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये जानकर काफी हैरान हैं कि बदलापुर पुलिस ने दूसरी बच्ची के परिवार का बयान भी दर्ज नहीं किया था। हमने संज्ञान लिया तब पुलिस ने दूसरी बच्ची के पिता के बयान दर्ज किए, वो भी आधी रात के बाद। आप आधी रात के बाद बयान कैसे दर्ज कर सकते हैं, ये कोर्ट की तरफ से सवाल पुलिस के खड़े किए गए। इतनी देरी के पीछे की आखिर क्या वजह है, यौन शोषण की जानकारी आखिर क्यों नहीं साझा की गई। इसके बारे में बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से कहा कि अगर आपने किसी भी तरह मामले को दबाने की कोशिश की तो हम एक्शन लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी 1 अगस्त को ही स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुआ था। बच्ची उसे दादा यानी कि बड़ा भैया कहकर पुकारती थी। बच्ची के मुताबिक दादा ने उसके कपड़े खोले और गलत तरीके से छुआ भी। स्कूल में जहां घटना हुई वहां महिला कर्मचारी भी नहीं थी। सोचिए, महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुसीबेन शाह ने आरोप लगाया कि स्कूल ने बच्चियों के पेरेंट्स की मदद करने के बजाय अपराध को छिपाया है, क्योंकि केस नहीं दर्ज किया गया। स्कूल समय पर अगर संज्ञान लेकर शिकायत दर्ज करवाता तो अराजक स्थिति से बचा सकता था। दलापुर की घटना पर महाराष्ट्र में विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी ने घटना के विरोध में 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया है। गठबंधन के दल कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP-SCP ने 21 अगस्त को बैठक के बाद यह फैसला किया। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने 20 अगस्त को जो प्रदर्शन, जो गुस्सा, जो विरोध देखा गया बदलापुर रेलवे स्टेशन पर, इसको सियासत से प्रेरित बताया। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी बाहर से ही आए थे और आपने देखा भी होगा लगभग 300 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी ऐसे थे जो रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, रेलवे ट्रैक्स पर खड़े थे और जो विरोध कर रहे थे कि एक्शन समय पर लिया जाए वरना इसी तरह उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि सामान्य स्थिति करने के लिए लगातार सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आज बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जो बातें रखी गई हैं और जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने जो अहम बातें की हैं उसके बाद पुलिस के लिए बहुत बड़ी सबक है कि अगर किसी के पेरेंट्स किसी भी वारदात की शिकायत कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट क्यों नहीं FIR दर्ज की गई। आखिर किस चीज का इंतजार पुलिस वहां पर कर रही थी, ये कोर्ट ने सवाल खड़े किए। हालांकि अब 27 अगस्त को एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, तब देखना होगा कि अब क्या कुछ रिपोर्ट जो है रखा जाता है।